بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الحق سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين لائق عزت تكريم سامعين مكرم اللہ عز الجلال ہم سب کے خالق مالک اور رازق ہیں، وہی قادر مطلق ہے، پوری کائنات پہ اسی کا ہی تصرف ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جو ارادہ کرتا ہے اس کو نافذ بھی کرتا ہے۔ آج کل کے ان حالات کے اندر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ دسیوں ایسے عنوان بکھرے ہوئے ہیں جن پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آج کے اس خطبے میں صرف آپ کے سامنے ان چھ باتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ان غمناک حالات میں ایک مسلمان کو اختیار کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام، بندہ مومن یہ اللہ عز و جلال کی ملکیت ہے۔ مالک اپنی ملکیت میں کسی وقت بھی جو چاہے تصرف کر سکتا ہے، اور جب یہ بات طے شدہ ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو دس، دس نہیں تو بیس یا تیس سال کے بعد بھی تو اسی مالک کے پاس ہی جانا ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، جو چیز جہاں سے آئی ہے وہاں سے اسے واپس جانا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام جو آج کل کے حالات میں ہر مسلمان پہ فرض اور واجب ہے کہ میں اور آپ اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔
तरीका क्या है? ये यकीन कीजिए कि मालिकुल मुल्क की रहमत बेपनाह है, 10 नहीं 10 सौ और 10 हज़ार भी गुना आप कर चुके हैं तो मालिकुल मुल्क की रहमत से मायूस न होइए। और ये यकीन कर लीजिए कि उसके पैगंबर ने जो बात की है उससे बड़ी सदाकत रुए ज़मीन पर कोई नहीं है। अपने आप को तौबा के लिए आप कैसे पेश करें? सबसे पहला काम, आप बेहतरीन तरीके से वुज़ू कीजिए। खूबसूरत वुज़ू करने के बाद दिल लगाकर अकेले अलग 2 रकअतें अदा कीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने यही तरीका समझाया था, जैसा कि बयान करते हैं सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला। और इन 2 रकअतों को पढ़ने के बाद आप अपने रब के सामने हाथ उठाइए, सबसे पहले अपने गुनाह का इकरार कीजिए, इकरार कीजिए, इन्नल अब्द इज़ा अतरफ सुम्मा ताब ताब अल्लाहु अलैह। बंदा मोमिन जब अपने गुनाह का इकरार और इकरार कर लेता है तो मालिकुल मुल्क उसे माफ कर देते हैं। इन कमज़ोर हाथों को उठा के इकरार कीजिए, इकरार कीजिए कि ये और ये और ये, और मैं और आप जानते हैं हमसे कौन कौन सी गलतियां कोताहियां हुई या होती हैं। और फिर इस इकरार और एतराफ के बाद अपने रब के सामने अज़्म मुसम्मम जाहिर कीजिए, मालिकुल मुल्क मैं दोबारा ये नहीं करूँगा, मेरे फिक्र से, मेरे कौल से, मेरे अमल से किसी को अगर तकलीफ़ या अजियत और गुज़न पहुँची है तो मेरे मालिक मुझे मुआफ़ कर दे, और जिनको तकलीफ पहुंची है अल्लाह मैं उनके लिए भी तेरे सामने हाथ फैला रहा हूं तो उनके दर्जे बुलंद फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के इस फरमान पे अमल करना ये सबसे पहला फरीजा है। कुछ पता नहीं, ये अल्लाह ही जानता है। मत सोचिए उन मैयर्स को जो मैयर्स इंसानों ने बना रखे हैं। मैयर्स वो कंसीडर होते हैं शरीयत के अंदर जिसको अल्लाह ने पेश किया है। कोई बीमार हैं तो 20-20 साल तक अल्लाह के पास नहीं जाते, कोई तंदुरुस्त हैं तो बैठे बैठे रब के पास चले जाते हैं। इसलिए जब अल्लाह से मुलाकात हो तो इस हालत में मुलाकात हो कि मालिकुल मुल्क हमसे राजी हो चुका हो। दूसरा काम जो आजकल के दौर में है, आजकल के अय्याम में हम सबको करना चाहिए, ये बात चूंकि कुरान में आई है इसको यकीन के दर्जे पे जाके समझिए। मुसीबतें, बीमारियां, गम और दुख आते क्यों हैं? इसके बुनियादी तौर पे 3 वजह हैं। मत कहिए फलां की वजह से, फलां की वजह से, फलां ने यूं किया, फलां ने यूं किया। नहीं, कुरान मजीद ने उसके 3 सबब बयान किए हैं, उसको समझिए। सबसे पहला सबब, इंसान के अपने हाथों की कमाई ही इंसान के सामने आती है। अल्लाह हज़्ज़ुल जलाल कुरान मजीद में फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन
مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. انسان کو کوئی دکھ اور غم پہنچتا ہے تو اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، حالانکہ اکثر اللہ معاف کر دیتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہیں، لَن يَهْلِكَ النَّاسَ حَتَّى يُعْذَرُوا مِنْ أَنفُسِهِمْ، لوگ اس وقت تک ہلاکت کا سامنا نہیں کرتے جب تک ان پر عذر پورا نہ ہو جائے یا وہ اپنے لیے خود عذر نہ تلاش کرنے لگ جائیں. اللہ عزوجل جلال جو ہم سے سراً وعلانیہ چاہتے نہ چاہتے کوئی بھی گناہ آج تک ہوا، مالک الملک اسے معاف کر دے، درگزر فرمائے. دوسرا سبق، اللہ عز و جلال کسی قوم کے اوپر یا انسانیت کے اوپر کوئی مصیبت مسلط فرماتے ہیں تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کو نافذ کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے اس فیصلے کا تذکرہ کیا ہے، ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. کوئی بھی دنیا میں مصیبت آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، اس کی مرضی سے آتی ہے. اور آتی کیوں ہے؟ کیا اللہ عزوجل جلال اس حکم کے ساتھ چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے یہ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں، مصیبتیں اور دکھ اس کی وجہ سے اپنے پیاروں کی زندگی کے سارے گناہوں کو صاف کر دیں. ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم حتی الشوکہ بشاکہا الا کفر اللہ بها من خطایاہ. تھکاوٹ ہو، غم ہو، فکر ہو، آزمائش ہو، کوئی بھی بیماری ہو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت بتا رہی ہے اس وجہ سے اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر وہ صحت مند ہو جائے، جب پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے، ما علیہ خطیئہ، اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ یوم ولدت امو، اللہ عز و جلال اسے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے آج ہی اس کی والدہ نے اس کو جنا ہے اور نو مولود بچے پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. تیسرا سبب جو اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذالک علی اللہ یسیر. 50,000 سال کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ فلاں فلاں پہ مصیبت اور دکھ میں ڈالوں گا. کیوں؟ اس لیے حدیث نے اس کی وضاحت کر دی، وجہ کیا ہے؟ ان الرجل لَيَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ الْمَنْزِلَةِ فَمَا يُبَلِّغُهَا الْعَمَلِ فَمَا يَزَالُ اللَّهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكْرَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِيَّاهَا.
अल्लाह ने अपने बंदे का दर्जा जन्नत में बहुत बुलंद लिख दिया है, लेकिन उसके आमाल उस दर्जे तक पहुंचने के लिए काफी नहीं हो रहे। वल्ला ये छोटी छोटी मुसीबतें और बीमारियां और दुख दे के अल्लाह अपने उस प्यारे बंदे को जन्नत के उस आला दर्जे तक पहुंचाना चाहते। अल्लाह मालिकुल मुल्क हम सबको मुआफ फरमाए, हमारी गलतियों कोताहियों को मुआफ फरमाए, और हम कमज़ोर लोग हैं वो बग़ैर किसी आजमाइश में डाले भी तो मुआफ कर सकता है, उसने किसी से मशवरा तो नहीं करना, वो तो मुख्तारे कुल है, उसी के फैसले नाफिज होते हैं। और अगर उसने लिख दिया है तो यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित, वो इस बात पर भी कादिर है कि अपनी ही लिखी हुई तकदीर को मिटा दे और अपनी तकदीर को लिखी हुई को साबित रखे, फैसला फिर भी उसी का ही नाफिज होगा। तीसरा काम जो आजकल के हालात में हमें करना होगा, इसलिए मत कहिए फलाँ ने एहतियात की तो बच गया, फलाँ ने बे एहतियाती की तो वह दुनिया से चला गया। एहतियात सुन्नत है, ये इख्तियार करनी चाहिए, इसमें जिद नहीं करनी चाहिए। ये जो मैयर्स होते हैं, जिस तरह इल्म ने शरीयत ने मैयर्स बयान किए हैं, सेहत के हिफ्जान के लिए अगर कोई मैयर्स हैं तो उनका ख्याल करना चाहिए, जिद्दी नहीं इंसान को बनना चाहिए। लेकिन यकीन आपका और ईमान क्या होना चाहिए, फैसला उसका नाफिज हो, उसका फैसला नाफिज होगा जहाँ भी नाफिज होगा। उसमें हम एहतियात इसलिए करेंगे, सुन्नत है, दीन है, शरीयत है, हम दीन और शरीयत और सुन्नत को नहीं छोड़ेंगे। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके हाथ पे बैत करने आए हैं, तो जब एक ऐसा शख्स भी था जो बैत करने आया जिसको कोढ़ की मर्ज थी, आपने हाथ पे हाथ रख के उसकी बैत नहीं ली, फरमाया आपकी बैत हमने ले ली, अब वापस चले जाएं बकिया काफले के साथ। कोई नबी से बड़ा भी तवक्कुल करने वाला है? कोई नबी से बड़ा भी मुत्तकी है? क्या किसी ने वहाँ जिद की कि अल्लाह के पैगंबर आपके लिए आया है, वो इस्लाम को कबूल करने आया है, इसके भी हाथ पे हाथ रख के बैत लें, किसी ने जिद की? मोमिन जो होता है वो जिद्दी नहीं होता, लेकिन मोमिन जो है वो रब पे अपना यकीन भी नहीं तोड़ता, उसका ईमान अल्लाह पे मजबूत होता है, उसमें खलल नहीं आने देता। तो तीसरा काम जो करने वाला है मेरे मुअज्ज़ज़ और मोहतरम भाइयों, अल्लाह से आफ़ियत तलब करो, अल्लाह से आफ़ियत तलब करो। आफ़ियत ये बहुत बड़ी नियामत है। खुलुवुल जसदी वन नफ्सी मिन जमीउल अवारिद वल अमराद अल्लती तुहाजिमुहा वतगुर्रुहा। आफियत का मतलब ये है, ए अल्लाह रूहानी और जिस्मानी तौर पे हर किस्म की बीमारी और बोझ से मुझे हर वक्त महफूज रख। ये आफियत जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को तालीमात दी है, इस आफियत को अल्लाह जुल जलाल के पैगंबर ने फरमाया कि बहुत बड़ी नेमत है। यही वजह है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वो मिंबर पे चढ़ते तो रोने लग जाते और सिर्फ एक बात कहते, सल्लल्लाहु अलैहि वल आफिया, लोगों अल्लाह से मुआफ़ी भी मांगा करो और आफियत भी मांगा करो, अल्लाह तुम्हें हर वक्त गुनाहों से भी पाक रखे और हर किस्म की मुसीबत और बीमारी से भी पाक रखे। दूसरे साल अपनी खिलाफत के जब दोबारा वो मिंबर पे चढ़ते तो फिर रोने लग गए और एक ही बात कही, सल्लल्लाहु अलैहि वल आफिया।
लोगों अल्लाह से दो बातें हर वक्त मांगते रहा करो, मालिकुल मुल्क मुझे हर किस्म के गुनाहों से हर वक्त पाक साफ रख, मेरे ऊपर किसी गुनाह का भी बोझ ना हो, किसी बीमारी और मुसीबत का भी बोझ ना हो। अल्लाह जल जलाल के प्यारे पैगंबर ने इसलिए फरमाया, मा मिन दावतिन यदउ बिहा अल अब्द अफ़ल मिन, اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة। लोग दुआएं करते हैं, बड़ी बड़ी कीमती दुआएं हैं, बड़ी बड़ी आजमत वाली दुआएं करते हैं, लेकिन पैगंबर कायनात फरमाते हैं कायनात के अंदर इससे अफजल दुआ कायनात के किसी फर्द ने की ही नहीं होगी। कौन सी दुआ जिससे कोई दुआ अफजल नहीं है? जब कोई ये कह दे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफात फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह दुनिया में भी आफियत दे दे और आखिरत में भी आफियत दे, दुनिया में भी हर किस्म के गुनाह और बीमारी दुख मुसीबत से हर वक्त महफूज रख, और जो ही आंख बंद हो कबर भी जन्नत का बागीचा बन जाए और जन्नत का मुझे वारिस मेरा मालिक बना दे। अल्लाह जल जलाल आफियत तलब करने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि ऐसी दुआ बताइए जिससे अफजल कोई दुआ ना हो। आपने सिर्फ एक कलिमा बोला, फरमाया तसअल रब्बक अलअफवा वलआफिया फिद्दुनिया वलआखिरा। सवाल करने वाले अपने रब से सिर्फ दुनिया और आखिरत में मुआफ़ी और आफियत का सवाल किया करो, इससे बड़ी दुआ दुनिया में है ही कोई। दूसरे दिन फिर आया, आपने फिर भी यही फरमाया। तीसरे दिन फिर आया, आपने फिर यही फरमाया। इसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से आफियत जो साबित है दुआओं में, उनको याद भी करना चाहिए और अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए। यहाँ रुक के मैं एक बात कह दूँ, कुछ लोग जज्बाती हो जाते हैं, कहते हैं या अल्लाह जो आखिरत में तूने मुझे अजाब देना है वो दुनिया में ही दे दे, आखिरत में बचा लेना। ये गलत दुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, सही मुस्लिम की रिवायत है, और एक शख्स बीमारी की वजह से चूजे की तरह हो चुका था। आपने पूछा, आपने अपने बारे में कोई बददुआ तो नहीं की? कहा अल्लाह के रसूल बस मैंने यही कहा था, अल्लाहुम्मा मा कुंत मुआकिबी बिही फिल आखिरा फअज्जिलहु ली फिद दुनिया। अल्लाह जो आखिरत में सजा देनी है दुनिया में ही दे दे, मेरी आखिरत बचा लेना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम ये भी तो कह सकते थे या अल्लाह दुनिया में भी बचा दे आखिरत में भी बचा दे, तुम ये भी तो कह सकते थे। इसलिए जज्बाती मत होइए, मत इस तरह के अल्फाज बोली या अल्लाह दुनिया में सजा दे दे आखिरत में बचा ले। वो मालिक दुनिया में भी तुम्हें बचाने पे कादिर है और आखिरत में भी बचाने पे कादिर है। तुमने उसकी रहमत का फिर अंदाजा क्या लगाया है? ये कहो या अल्लाह मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो दुनिया में भी मुझे बचा ले और आखिरत में भी बचा ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ ये अमल हर मुसलमान को इख्तियार करना चाहिए और ये दुआ याद करनी चाहिए, बार बार पढ़िए। अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी जसदी व आफिनी फ़ी बसरी, या अल्लाह मेरे जिस्म को भी आफियत से नमाज और मेरी नज़र को भी आफियत से नमाज। वजअलहुल वारिस मिन्नी, अल्लाह मुझसे ऐसे काम करवा जो मेरे लिए विरसा बन जाए। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाहि रब्बिल आर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही करीम है, वही अर्शों का मालिक है और वही पूरी कायनात का रब है।
इसलिए अबुल आलिया बयान करते हैं उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला नु सबसे ज्यादा ये दुआ करते देखे गए, अल्लाहुम्मा आफिना वाफु अन्ना, या अल्लाह हमें आफियत से भी नवाज दे और हमें मुआफ भी कर दे। कसरत से ये दुआएं कीजिए, अल्लाह जुल जलाल हम सबको आफियत से नवाज दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ औकात बताए हैं जिसमें आफियत की दुआ ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह सबको सुकून की नींद नसीब फरमाए। सो के जब इंसान उठता है तो दुआएं तो अल्लाह के सुर ने सिखाई है, उन दुआओं में से एक दुआ ये है कि जब भी तुम में से कोई बेदार हो तो ये कहे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी रद्द अलैया रूही وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري। अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए हैं कि तूने मेरी रूह को मेरे जिस्म में वापस लौटा दिया, क्योंकि जब इंसान सो जाता है तो अल्लाह रूह को खींच लेते हैं, अल्लाह यतवफ्फल अनफुस हीन मौतिहा, उठा लेते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي। अल्लाह मैं तेरी ही तारीफें करता हूँ, मैं जिस हालत में सोया था तूने मेरे जिस्म में आफियत रखी, उसमें कोई नक्स नहीं हुआ, तूने आफियत से मुझे दोबारा उठा दिया। وأذن لي بذكري, अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए हैं, तूने मुझे दोबारा जिक्र करने का मौका दे दिया। दूसरी जगह जहां आपको ये कसरत से दुआ करनी होगी, अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमा दे, अद्दुआ ला युरद्दु बैन अल अज़ान वल इक़ामा। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान और जमात जब खड़ी होती है, ये जो दरमियाना वक्फा है, इसमें दुआ रद्द नहीं होती। पूछा, अल्लाह के पैगंबर तो फिर क्या दुआ किया करें, ये तो रद्द ही नहीं होती। तो आपने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहिया फिद दुनिया वल आखिरा, तुम ये कहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा, या अल्लाह दुनिया में भी आफियत दे दे और आखिरत में भी आफियत से नवाज दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीसरा मौका भी बताया, आप देखते हैं कोई बीमार है तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जब भी किसी बीमार को देखो तो ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا। इतने कलिमात तुम पढ़ लोगे जो उस मुसलमान को बीमारी लगी है, अल्लाह तुम्हें उससे महफूज फरमा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا। رسول الله صلى الله عليه وسلم ने फरमाया कि सुबह शाम भी एक दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाह 24 घंटे तुम्हें आफियत से नवाज देंगे। वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है, اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة, अल्लाह मैं दुनिया और आखिरत में आफियत तुझसे मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ्फा वल आफिया फी दीनी व दुनियाई व अहली व माली, अल्लाह मेरे दीन दुनिया मेरे अहलो अयाल और औलाद और मेरे माल में भी आफियत फरमा दे और हम सबको माफ़ भी फरमा दे। अल्लाहुम्मा इस्तुर औरती व आमिन रौअती, अल्लाह मुझे खौफ में अकेला न छोड़ना, अल्लाह मेरे ऊपर पर्दे डाल देना, मुझे अपने पास बुलाना तो इस हालत में कि
कि तू मुझसे राजी हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन बैनी यदाई, अल्लाह मेरे आगे से भी मेरी हिफाजत फरमा, व मिन खल्फी मेरे पीछे से भी मेरी हिफाजत फरमा, व अन यमीनी मेरी दाएं तरफ से भी मेरी हिफाजत फरमा, व अन शिमाली और मेरी बाएं तरफ से भी मेरी हिफाजत फरमा, व मिन फौकी और मेरे ऊपर से भी मेरी हिफाजत फरमा, व अऊज़ु बिअज़मतिक अन उग़्ताल मिन तहती, अल्लाह मैं तेरी अज़मत के साथ तुझसे मांगता हूँ मेरी हिफाजत फरमाना, मैं पाँव के नीचे से भी किसी मुसीबत में ना आ जाऊँ, अल्लाह मेरी नीचे से भी हिफाजत फरमाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने उम्मत को ये बातें इसलिए समझाईं कि उम्मत इनको इख्तियार करे, मैं भी आपकी खिदमत में अदब से गुजारिश करूँगा कि आफियत को मांगना सीखो और ये दुआएँ याद करो, मेरा मालिक आप सबको और आप सबके अहलो अयाल को आफियत से नवाजता है। चौथा काम जो करने वाला है वो काम कौन सा है? हुवा शाफी, शिफा देने वाला वो है, शिफा मांगो तो शाफी से मांगो। जब है ये शिफा उसके हाथ में, जब मालिक ही वो है, तो फिर किससे मांगना चाहिए? उससे मांगना चाहिए। और शिफा के मुतालिक मैं आपको चंद तीन उसूल पेश करना चाहूँगा। सबसे पहला उसूल, मोमिन का तर्ज अमल ये होता है कि वो शिफा अल्लाह से मांगता है, क्योंकि वो जानता है अश्शाफी अल्लाह का नाम है। इसलिए जब भी कोई बीमार होता तो सैयदुल मुरसलीन दुआ क्या करते, अज़हिब अल-बअस रब अन्नास वश्फी अंत अश्शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मा, अल्लाह तू ही तो शिफा देने वाला है, तू ऐसी शिफा दे कि इसकी बीमारी का नाम ही ना रहे। इसलिए शिफा अल्लाह के हाथ में, ये यकीन कर लो किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए जितना ताल्लुक और यकीन मेरा और आपका रब के साथ होगा, उतनी शिफा का हिस्सा मेरी और आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा है। दूसरा उसूल, दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं, मा मिन दाइन इल्ला वक़द अंज़ल लहू दवाअन, दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका अल्लाह ने इलाज नहीं उतारा। ये कौन कह रहे हैं? ये वो मुबारक ज़ुबान से कलिमात निकले हैं जिस जैसी ज़ुबान आज तक अल्लाह ने पैदा ही नहीं की। तो अल्लाह हज़ुल जलाल जो हम सब के खालिक व मालिक हैं, उसने अपने पैगंबर की ज़ुबान से ये बात समझा दी है कि इलाज हर बीमारी का मौजूद है। लेकिन फ़र्क क्या है? आलिमहू मन आलिमहू व जहिलहू मन जहिलहू, जो जान लेता है जान लेता है, कोशिश करने से बीमारियों की तशख़ीस हो जाती है, डायग्नोस होती है, उसका इलाज भी होता है, और जो कोशिश नहीं करता जाहिल रहता है, तशख़ीस ही नहीं कर पाता। लेकिन तीसरा उसूल भी याद रखिए, बीमारी की तशख़ीस हो जाए, अल्लाह ने इलाज किया है, लेकिन हराम चीज से इलाज न करना। इन्नल्लाह लम यजअल शिफा उम्मती फीमा हुर्रिम अलैहिम, रब तआला ने जिस चीज़ को हराम कह दिया है ना, उसमें अल्लाह ने असल में शिफा रखी ही नहीं है, उसमें अल्लाह ने शिफा रखी ही नहीं है। इसलिए हराम चीज़ से इलाज मत कीजिए। दवाई लेना सुन्नत है, इलाज करवाना सुन्नत है, शरीयत है, दीन है। मत कहिए कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा, सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने भी अपना इलाज किया, सहाबा ने भी अपना इलाज करवाया। सरताज रसूल से बढ़ के कोई मुत्तकी नहीं था, सहाबा से बढ़ के तो कोई तकवे वाला और तवक्कुल करने वाला नहीं था।
इसलिए अपने आप को इस मामले में बिल्कुल दीन के ऊपर गालिब होने वाला मत समझिए कि मेरे जैसा कोई मुत्तकी नहीं है। अगर एक खर भी मुत्तकी मिल जाए तो किसी एक तबह ताबी जैसा नहीं हो सकता, इतने तबह ताबी हो जाए तो एक ताबी नहीं बन सकता, इतने ताबी हो जाए तो एक सहाबी नहीं बन सकता। मेरे भाई, उन्होंने भी इलाज करवाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान से निकली हुई ये बातों के बाद आइए शरीयत में कुछ इलाजात रखे हैं बीमारियों के, इनको सुनिए। नंबर एक, आप किसी भी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले कुरान की तिलावत को इलाज समझिए। कुरान की तिलावत ये बहुत बड़ा इलाज है। अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं, या अय्युहा अन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम वशिफाउन लिमा फिस्सुदूर वहुदन للمؤمنين। ये नसीहत अल्लाह की तरफ से आई, ये शिफा आई है अल्लाह की तरफ से। किस चीज की शिफा? माफिस सुदूर। समझने की कोशिश कीजिए, हार्ट के मसाइल, ज़ीक़ुन नफ्स, सांस तंग हो रहा है, चेस्ट पेन हो रही है, कुरान क्या कह रहा है? लिमा फिस सुदूर, सीने में जो कुछ है उसका इलाज कुरान है, उसका इलाज कुरान है। वहुदा वरहमा, कुरान पढ़ोगे इलाज भी होगा और हमेशा हिदायत पे रहोगे। शैतान में मरते वक्त भी उकसा नहीं सकेगा, हिदायत पे रहोगे। वरहमा, जिंदा भी रहे तो रहमत में रहोगे। अगर रब ने अपने पास अपने प्यारों को बुला लिया तो रहमत के साए में बुलाएंगे। और रहमत, इस रहमत को मत छोड़िए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इस फरमान की रोशनी में ये बात याद रखिए। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, मैं जब सफ़र पे निकला कोई तबीब नहीं थी, कोई दवाई नहीं थी, عرض لي عوارض, इतनी बीमारियां आई, मैंने सिर्फ एक काम किया, मैंने सिर्फ एक काम किया। कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा है सूरत अल-फातिहा ये शाफिया है, शिफा देने वाली है, मैं खुद से ही सूरत अल-फातिहा पढ़ता और अपने आप को दम कर लेता, मेरा रब मुझे ठीक कर देता। यकीन शर्त। दूसरा इलाज, अल्लाह ने शहद और जैतून को भी शिफा कहा है अपने पैगंबर के जरिए भी कुरान में भी। وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس। شهد की मक्खी जो बनाती है शहद, अल्लाह ने लिन्नास पूरी कायनात के लिए इसमें शिफा रखी। सुबह शाम गर्म पानी में शहद डालिए और मामूल बनाइए। जैतून के चंद कतरात अपने नोज़ में दाखिल कीजिए सुबह और शाम, रब ताला तुम्हें बीमारियों से महफूज रखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहा मेरे भाई का पेट ठीक नहीं है, ने फरमाया शहद खिलाओ। कहा खिलाया है ठीक नहीं हुआ, कहा फिर खिलाओ। कहा खिलाया ठीक नहीं हुआ, कहा नहीं, सदकल्लाह व कज़ब बत्न अखीक, तेरे भाई का पेट
झूठ बोलता है तेरे रब ने सही कहा है, यकीन करके खिलाओ, जब जाके खिलाया ठीक हो गया। यकीन शर्त है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैतून और शहद के बाद चौथा इलाज अजवा खजूर और बुरनी खजूर खाइए। हदीस के अल्फाज हैं, मन तसब्बह कुल यौम सबअ मरात, जो सात खजूरें सुबह अजवा की खा लेता है, लम यदुरहु फी ذلك اليوم صم ولا سحر, ना कोई जहर असर कर सकती है न जादू असर कर सकता है। और दूसरी रिवायत में आता है कि जो मदीने की खजूर खा लेता है ये लम यदुरहु शै, दुनिया की कोई चीज उसे नुकसान नहीं दे सकती। रात को खा ले तो सुबह तक नुकसान नहीं होगा, सुबह खा ले तो शाम तक नुकसान नहीं होगा। अजवा खजूर तो मारूफ है, ये बुरनी खजूर क्या है? ऐसी खजूर शायद आपने देखी हो, अहमर मुशर्रबुन मिसफरा, होती तो ये सुर्ख रंग की है लेकिन उसमें जर्द जर्द उसका छिलका भी होता है, लेकिन इसका छिलका ज्यादा होता है, किसी को लेहा, लेकिन मिठास इसमें बहुत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खजूरें भी कोई खा ले युद्धिबु दा वला दा फी, जिस बीमारी के लिए खाओगे इस खजूर में कोई बीमारी नहीं, ये बीमारी को ले जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने छठा इलाज ये बताया है, मा उज़मज़म लिमा शुरिब लह, जिस नियत से जमजम पियोगे रब ताला उसको पूरा कर देंगे। ये शिफा भी है बीमारियों से, ये ग़िज़ा भी है अगर कुछ खाने को न मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की रोशनी में इमाम इब्न क़य्यिम फरमाते हैं, मक्का में मैं रहा, मैं कोई तबीब न मिल सका, बीमार हो गया, मैंने सिर्फ एक काम किया, आख़ुदु शरबतन मिन माई ज़मज़म, मैं शरबत मैं ज़मज़म का एक गिलास लेता, खुद ही सूरतुल फातिहा उस पर पढ़ता और पी लेता और अल्लाह मुझे शिफा दे दे। मैं उज़मज़म लिमा शुरिब लह, ज़मज़म ये हर चीज के इलाज के लिए और हर नियत को पूरा करने का अल्लाह ने ये एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। शरी दम करें, आठवां इलाज, और ये दम सीखिए। उईज़ुका, सुबह शाम अपने बच्चों को दम कीजिए, उईज़ुका बिकरीमतिल्लाहि तम्मा मिन कुल्ली शैतानिन वहाम व मिन कुल्ली ऐनिन लाम, अपने आप के लिए पढ़िए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शै फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, सुबह शाम तीन तीन मरतबा पढ़िए। अऊज़ु बिकरीमतिल्लाहि तम्माति मिन शर्रि मा खलक, सुबह शाम तीन तीन मरतबा पढ़िए। अल्लाह अल्लाह रब्बी ला शरीक लह, जिस भी गम और बीमारी में इंसान पड़ता है अल्लाह उसे दूर फरमा देते। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ये दुआ पढ़िए, दम कीजिए, बिस्मिल्लाह अरक़ीक मिन कुल्ली शैइन युज़ीक मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन, बिस्मिल्लाह अरक़ीक वल्लाहु यश्फीक, ये दुआ पढ़िए, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, ये दुआ याद कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अख़लाक़ वल अमल वल अहवा वल अदवा, या अल्लाह बुरे आमाल बुरे अख़लाक़ बुरी बीमारियों और बुरी ख्वाहिशों से मेरी हिफाजत फरमा दे, ये दुआएं याद कीजिए। और साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौवां इलाज बताया, कलवंजी का इस्तेमाल कीजिए। सही मुस्लिम की रिवायत है, मा मिन दाइन इल्ला फिल हब्बति सौदा मिनहु शिफा इल्ला सम, सिवाय मौत के अल्लाह ने इसमें हर बीमारी का इलाज रखा। और सही मुस्लिम की रिवायत, इस कलवंजी का इस्तेमाल आप खाने में भी कीजिए, इसका कहवा भी बना के पीजिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया था, अलैकुम बिस्सना वस्सनूत,
فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. سنا مکی اور شہد ملا کر اس میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج. پانی لیجئے مہندی کے پتوں کی طرح سنا مکی ہوتی ہے, اس کو ڈالیے, 10 منٹ اس کو ابالیے, اس میں مناسب شہد ڈالیے, سنا ٹی بنائیے اور صبح شام پی لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے موت کے سوا اس میں ہر چیز کا علاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہے. اور یہاں میں رک کے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا, ضد نہ کیجئے, ڈاکٹرز جس بات کی ہدایت کرتی ہے اس کو مان لیجئے, مت مذاق سمجھیے, مت ضد کیجئے. نہیں, جو میئرز کسی چیز کے ہوتے ہیں ان کا خیال کیا جاتا ہے, اور دعا کیجئے اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے. وہ جس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں مالک الملک ان کی بھی حفاظت فرمائے اور آپ سب کی بھی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان. پانچویں بات اور چھٹی بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. آپ نے یہ سنا کہ ہمیں سب سے پہلا کام توبہ کرنے ہیں. آج وقت ہے, ایک وقت آئے گا یہ وقت ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے قبل ان تصفوا علینا اللبنات, اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر وہ ٹائلیں آ جائیں جس کے بعد ہم دنیا سے غائب اور دنیا ہم سے غائب ہو جائے, اس سے پہلے توبہ کر لیجیے. دوسری بات, ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں, اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا, یقین کر لیجیے. تیسری بات, رب تعالیٰ سے عافیت مانگیے, اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. چوتھی بات, شفا شافی سے مانگیے اور اس کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کیجئے, اور ان طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی ہے احتیاط کیجئے, یہ سنت ہے, ضد نہ کیجئے. اور پانچویں بات, اگر دنیا سے کچھ چلا جائے تو پھر صبر بھی کیجئے, مت کہیے جو لوگ کہا کرتے تھے اسلام سے پہلے ہمارا پہاڑ چلا گیا. میں جانتا ہوں آپ صحیح العقیدہ لوگ ہیں, اور حسن بصری کہا کرتے تھے جب کوئی عالم, موت العالم سلمۃ فی الاسلام لا یسدھا شیء مختلف اللیل والنہار, جب کوئی علم والا دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ اسلام کے اندر اتنا شگاف آ جاتا ہے دن رات لگے رہیں وہ شگاف پر نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا تھا کسی کو صبر نہ آئے فَلْيُعِزَّبِ, میری موت کو یاد کر لے. مت ایسے کلمات کہیے گا کہ جس سے رب ناراض ہو جائے. یاد کیجئے 70 صحابہ جو ہیں احد کے مقام پہ اللہ کے پاس چلے گئے, صحابہ پہ کیا گزری ہوگی, 70 قراء کو شہید کر دیا گیا ایک ہی وقت میں, کیا گزری ہوگی. اور یہ بات تو کسی کو بھی بھولی نہیں ہے, جب اللہ کے رسول دنیا سے گئے تو دنیا کی حالت کیا تھی. سیدہ عائشہ کہتی, سیدہ فاطمہ کہتی تھی نا, صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا, اتنی مصیبتیں ہم پہ ٹوٹ پڑی کہ اگر دنوں پہ ٹوٹ پڑتی تو دن رات بن جاتے. صبر کیجیے, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, بے حساب اجر ان کو ملتا ہے جو صبر کرتے ہیں. صرف دعا کیجیے, مولا کریم ان روشن ستاروں کو تو نے چمک اور دمک دنیا میں بھی دی تھی, جنت میں بھی ان کو سب سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اور ساتھ ہی میں چھٹی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں, آج وقت ہے, آج وقت ہے قدر کر لیں ان نعمتوں کی. جن نعمتوں میں بہت ساری نعمتیں ہیں اور ایک نعمت علماء کی نعمت ہے, ان کی قدر کر لیں. النعمہ
इदा फुकिदत उरिफत, नेमत जब हाथ से छिन जाए तो उसकी कदर फिर होती है। इसी अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, इन्ने उखबर बिमौत रजुल मिन अहलि सुन्न वकअन्नी उफ़क़िदु बअज़ अअज़ाई, मुझे खबर मिलती है कि फलां फौत हो गया है, वो सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा था, मुझे लगता है मेरे जिस्म का एक हिस्सा शल हो गया है, ज़ाया हो गया। ये आम मुसलमान की बात है जो सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा हो। फ़कैफ़ बिखबर मौत अलालिम अल्लज़ी करस हयातहु लिखिदमत अलइस्लाम वलमुस्लिमीन, आप सोचिए कैसे उस इंसान की मौत की खबर एक मुसलमान को गमगीन करती है जिसने पूरी ज़िंदगी इस्लाम की अजमत और दीन की तदरीस और तबलीग में गुजारी हो। अल्लाहुम्मग़फिर लहुम वरहमहुम वरफ़ दरजातिहिम फिल महदी, इन उलमा को नेमत समझो। और सच कहा था इमाम शाफ़ई ने, इज़ा लम यकुन उलमा औलिया फ़मन यकुन, अगर उलमा भी अल्लाह के वली नहीं तो फिर कौन होगा। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्ना मिन तक़्वा अल-क़ुलूब, इस आयत की रोशनी में उलमा लिखते हैं जो अल्लाह की निशानियों की अज़मत समझता है ये मुत्तक़ी इंसान की निशानी है, और अल्लाह की निशानियों में से उलमा भी निशानियाँ हैं। इन नेमतों की कदर कीजिए, अल्लाह तुम्हारी कदर भी बढ़ा देगा। इलाहुल आलमीन जो उलमा दुनिया से जा चुके हैं, मौलाए करीम उनको अपनी शान और आज़मत के मुताबिक अम्बिया की सब में खड़ा फरमाना, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाना। इलाहुल आलमीन जो जिंदा हैं उनको सेहत और आफियत से नवाज दे। अल्लाह ये रोशन चेहरे तेरे घर में आए बैठे हैं, मौलाए करीम इनको और इनके अहलो अयाल को आफियत से नवाज दे। अल्लाह जिस तरह ये दुनिया में जमा है सबको जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमा, और अपने महबूब का साथ नसीब फरमा और अपना दीदार नसीब फरमा। वाखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाह।